मैंने देखा है वो वीडियो और उसके लिए तत्काल एक वरिष्ठ प्राध्यापक की अध्यक्षता में जांच कमेटी बना दी है। उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी जिम्मेदार होगा, जिसकी भी गलती होगी, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। अभी प्रथम दृष्टया जो मैंने अपने लेवल पर जानकारी ली है, उसमें ये है कि जो भी बार्ड बॉय है उस समय का, वो उसकी उस समय ड्यूटी नहीं है। उसके बावजूद वो कैसे आया, किस तरीके से वहाँ पहुँचा, कैसे मरीज के पास पहुँचा, और जो डॉक्टर वहाँ उपस्थित थे उनने उसको कैसे अलाउ किया ये सब करने के लिए, तो इनमें जो जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ अभी 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट आ जाएगी और उसमें उनको दंडात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ होगी।